डॉक्टर असगर चुलबुल की निगरानी में ऑर्गेनाइज किए गए 6 रोज़ा हुस्ने किरात मसनून हदीस नात क्विज़ और तहरीरी तकरीरी प्रोग्राम का यह 4वां प्रोग्राम है जिसमें इस्लामिक क्विज़ कंपटीशन रखा गया था। यह कंपटीशन दारे अरकाम इंग्लिश मीडियम स्कूल में ऑर्गेनाइज़ किया गया था और कुल 600 के करीब तुलबा तालिबात ने हिस्सा लेकर इस कॉम्पिटिशन को कामयाब बनाया है। इस कॉम्पिटिशन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से लेकर वफात तक उनकी ज़िंदगी पर 100 सवाल तैयार किए गए थे। हर सवाल के 4 जवाब मौजूद थे जिसमें तुलबा व तालिबात को सही जवाब ढूंढना था। इस मौके पर तुलबा व तालिबात के साथ उनके माँ बाप और दीगर रिश्तेदार भी इस प्रोग्राम में मौजूद थे। डॉक्टर असगर चुलबुल ने माँ बाप और दीगर तमाम का इस्लामिक नॉलेज बढ़ाने के लिए इनको भी एक क्वेश्चन पेपर दिया जिसको पढ़कर तमाम माँ बाप और दीगर लोग काफ़ी खुश नज़र आए। तमाम लोगों ने डॉक्टर असगर चुलबुल को मुबारकबाद पेश की और आगे हर साल ऐसे ही कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करने की गुजारिश की है। This video present by Raidan Multi Cuisine Restaurant, variety of traditional foods, Arabian, Turkish, Middle East, grand interior, genuine spices, hygienic kitchen, address Tipu Sultan Chowk, Ring Road, Gulbarga. आज All India Millet Council और मरकजी सेहत कमेटी की जानिब से क्विज कंपटीशन का जो मल्टीपल आंसर्स की यहाँ पर एग्जाम रखा गया था जिसमें 550 तुलबा और तालिबात ने जो शहर के मुख्तलिफ स्कूल से उनका ताल्लुक था उन्होंने आज यहाँ पर हिस्सा लिया है और उस सवालात के जो पर्चे थे हमने ए बी सी डी उसको एक तरतीब दिया था ताकि एक बच्चे दूसरे बच्चे को ना देख सके। अल्हम्दुलिल्लाह जब बच्चों को जब टिक करता हुआ देखा गया सवालात पढ़ रहे थे और जवाब जब लिख रहे थे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि तुलबा और तालिबात ने काफ़ी अच्छी यहाँ पर तैयारी कर आई है। बाद में हमने उन तमाम तुलबा तालिबात से बात की तो उन्होंने यही कहा कि हमें बहुत सारे मालूम ऐसे हुए जो हम शायद ही हमारी ज़िंदगी में मालूम हमको नहीं थे। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हमने हमारे वालिद वालिदैन को भी कई एक ऐसे अहम सवालात थे जिसके जवाब हमने उनको पढ़कर सुनाए। तो यहाँ पर वालिदैन की भी कसीर तदाद यहाँ पर मौजूद थी, उनके लिए भी हमने यहाँ पर अलग से सीटिंग अरेंजमेंट की थी। उनसे भी मैंने जब बात की तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है बेटा, हमें पहली मरतबा ऐसे जो ऑब्जेक्टिव टाइप सवालात और दीन के जो मालूमाती क्वेश्चंस हैं हमको पहली बार यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और हमारे बच्चों के साथ हमने भी हमारे शोहर ने और भाइयों ने भी वो किताब को पढ़ा है और ये क्वेश्चन पेपर को हमने अभी देख रहे हैं कि बहुत अच्छे सवाल आते हैं, काफ़ी ज़्यादा हमें मालूम हासिल हुए हैं। तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल में इसको और मज़ीद और इसमें जो तब्दीली लाना है उसको लाएंगे, मज़ीद जो है ना बच्चों को जो नहीं दे सके उनको इन्वॉल्व करेंगे और बड़े सतह पर जिले सतह पर हम इसको मुनक़िद करने की हम कोशिश करेंगे। पिछली बार भी हम यहाँ पर 150-200 यहाँ पर तुलबा तालिबात यहाँ पर मौजूद थे। पिछली बार जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमने रखे थे ज़्यादा वो नशर नहीं भी मालूम नहीं हो सके थे, बाद में हमने उनको सेलेक्ट कर 3 दिन का एक पैनल बनाया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा बहुत ज़्यादा 550 के करीब तुलबा और तालिबात ने यहाँ पर आज हिस्सा लिया है। आप देख सकते हैं तमाम तुलबा और तालिबात की हमने यहाँ पर लिस्ट यहाँ पर चश्मा कर दी है और तमाम तुलबा और तालिबात यहाँ अपने नाम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और रूम्स में जाकर अपनी जगह पर बैठकर एग्ज़ाम लिख रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कसीर तदाद यहाँ पर तुलबा और तालिबात की आई है। मैं तमाम जो स्कूल्स के टीचर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हैं, वालिदैन हैं, उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि बच्चों के साथ साथ वो भी काफ़ी मेहनत और मशक्क़त उन्होंने की है और बच्चों को तैयारी करने के लिए उन्होंने अपना वक्त दिया है और उनके उसी के साथ उन्हें भी कई एक अहम मालूम हासिल हुए हैं। मैं फिर एक बार उन तमाम जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन टीचर्स को, असातिज़ा को और जो है ना वालिदैन को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही साथ सोशल मीडिया को भी मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मुसलसिल जो हमारे जो क्विज कॉम्पिटिशन हो रहे हैं आज 4वां दिन है उसका कवरेज कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं दारे अरकम के जो स्कूल के जो जिम्मेदार हैं मौलाना वसीउल्लाह रहमानी साहब, प्रिंसिपल HM, उनका भी यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने बच्चों की कसीर तदाद को देखते हुए ये बिल्डिंग उन्होंने एग्ज़ाम के लिए हमको दी है। शुक्रिया। मेरा नाम अब्दुल हनान है, मैं असरा पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल से हूँ। यहाँ पर जो है असगर चिलबुल ने एक क्विज का कंपटीशन रखे थे और वो इसमें से हमें पढ़ने के लिए एक बुक भी दी गई थी और 100 क्वेश्चन आंसर थे और एक क्वेश्चन के आंसर का मार्क्स 2-2 थे
और मैं असगर चिलवर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने कॉम्पिटिशन रखा। जज़ाकअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरा नाम नेहा तबस्सुम है और मैं बीबी रजा कॉलेज में पढ़ती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे क्विज कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया था और 100 सवाल आए थे पूरे हल के, बहुत अच्छा लगा और मैं असगर चुलबुल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल अजीज़ है, मैं पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ता हूँ। मैं इधर हज कमेटी दारुल अरफाम स्कूल में क्विज देने आया था, इससे मेरी बहुत नॉलेज बढ़ी और इंशाल्लाह मैं हर क्विज में हिस्सा लेने की कोशिश करूँगा और नॉलेज बढ़ाऊँगा। मेरा नाम मुस्कान बिन अब्दुल करीम कुरैशी है, मैं दारुल उलूम दीनिया बंदर नवाज़ा की तालिबा हूँ। हमने यहाँ पे क्विज में हिस्सा लिया था, अल्हम्दुलिल्लाह ये क्विज बहुत अच्छा हुआ और इसमें इस क्विज में 100 क्वेश्चन दिए गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो पूरे किए। लास्ट में असगर चुलबुल साहब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें कंपटीशन में बुलाया। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल और मरकजी सीरत कमेटी जिला गुलबर्गा के ज़ेर एहतमाम 4वां सालाना इनामी मुकाबला जात मुनक़द किए गए थे, जिसमें हुस्न ख़िरात और अहादीस शरीफा, नात शरीफ और तहरीरी तकरीरी और क्विज़ मुकाबला जात थे। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि शहर गुलबर्गा में सीरत क्विज़ के मुकाबलेजात बहुत होते हैं, लेकिन इतने कसीर तादाद में मैंने पहली मर्तबा गुलबर्गा में देखा है, जिसमें आज 4वां मुकाबला क्विज़ का था। 600 के करीब तलबा व तालिबात स्कूल के स्टूडेंट ने यहाँ पे आकर 100 सवाली पर्चे को हल किया, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा लगा। और कल भी जो मुकाबला हुआ वो नात का था, उसमें भी 600 तलबा व तालिबात थे। ये पहली मर्तबा मुझे इतनी कसीर तादाद देखने मिली है। अल्हम्दुलिल्लाह असगर चुलबुल साहब का ये बहुत बड़ा काम है कि उन्होंने तलबा व तालिबात स्टूडेंट को एक शौक़ और ज़ौक़ दिलाया, वालिदैन भी अपने बच्चों को शौक़ और ज़ौक़ दिलाकर इसमें हिस्सा दिलाया। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक इस काम को कायम और दायम रखे और बुलंदी अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मुज़ैफ़ फैज़ान है, मैं इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल से हूँ। मैं यहाँ क्विज़ का कॉम्पिटिशन करने आया था, 100 पर्सन थे, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत लोग थे यहाँ पर। हम मदरसा दारुल उलूम दीनिया बंदर नवाज़िया बारगाह बंदर नवाज़िया हम हिफ्ज़ कर रहे हैं। मेरा नाम सकीना है, मेरे अबू का नाम मोहम्मद हसन साहब है, मैं दारुल उलूम दीनिया बंदर नवाज़िया से आई हूँ। कंपटीशन बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे सवाल थे और मैं असगर चुलबुल का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें इतना अच्छा मौका दिया कि हम आकर यहाँ पर कुछ मालूमात हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अर्शद तबस्सुम है, मैं और गुलशन अतफाल स्कूल से पढ़ती हूँ। मेरा पेपर बहुत आसान गया और अच्छा था और उससे कुछ मालूमात हासिल हुई और बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, पूरे हल किए। मेरा नाम अलमास माही, मैं मनेज गुलशन अतफाल उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़ती हूँ। क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनाए थे असगर चुलबुल साहब और उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। उससे मैं हमें दीन की तालीम बहुत अच्छी होती है, शुक्रिया अदा करती हूँ उनका मैं। जज़ाकअल्लाह। ये 4वां सालाना मुकाबला बर्जमान जश्न मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ेर निगरानी अलाज डॉक्टर मोहम्मद असगर साहब चुलबुल वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल और सीरत कमेटी ज़िला गुलबर्गा के ज़ेर एहतमाम आज जो है ना यहाँ पे क्विज़ का मुकाबला रखा गया, जिसमें तकरीबन 500 से ज़्यादा बच्चों ने क्विज़ के मुकाबला जात में हिस्सा लिया। ये मुकाबला जात यहाँ पे स्कूल में मुनक़द किए गए एच कमेटी के पास, जिसमें 3 फ्लोर पर बच्चों ने अपने क्लासेस में बैठ के बाज़ाब्ता तौर पर 100 मार्क्स जो 100 सवालात रखे गए थे क्विज़ में, उनको जो है ना बखूबी 1 घंटे के अंदर अटेंड करके पेपर्स जो है ना दिए हैं। और ये जो क्विज़ का मुकाबला मुनक़द किए हैं, इसमें अहम बात यह है कि पूरे हुजूर की सीरत के ऊपर जो है ना ये सवालात रखे गए थे, तो हमारे जो तलबा और तालिबात ने जिस अंदाज में स्टडी करके यहाँ आए थे, हमको देखने का मौका मिला कि वो आधा घंटा पौन घंटे में भी बाद बच्चे जो है ना अपने पेपर्स अटेंड करके यहाँ पर जिम्मेदारों के हवाले कर दिए हैं। तो इस मौके पर मैं दिल की गहराइयों से डॉक्टर
डॉक्टर असगर चुलबुल साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक जो मुहिम छेड़ी है, हम जिला गुलबर्गा में सालाना तौर पे तहरीरी तकरीरी क्विज और जो है ना नात खिरात के मुकाबला जात मनक़द करके हमारे तुलबा और तालिबात खासकर नौजवान बच्चों में दीनी तालीम को आम करने का जो उन्होंने इरादा किया है, पक्का बेड़ा उठाया है, उसमें हम तमाम लोग उनके साथ हैं। ये बात हम कहते हुए मैं उन्हें फिर से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ।